मुख्यमंत्री तो जिसने भ्रष्टाचार किया उसे कहां भेज देना चाहिए भैया? आप लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जेल जाए? सब चाहते हैं कि जेल जाए? आज आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, और मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने लिखा है कि आने वाली लोजपा की सरकार में 7 निश्चय में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी, और अगर जेल भरने का काम किया जाए मुख्यमंत्री कहते हैं कि भैया हमने बिहार में शराबबंदी लागू कर दी, घर में होम डिलीवरी। मुख्यमंत्री को नहीं बोलते, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने शराबबंदी लागू कर रखी है। पूछ रहे मुख्यमंत्री से कि भैया जो तस्कर पैदा हो रहे हैं कौन उसको संरक्षण दे रहा है? तस्करी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है भैया? नीतीश कुमार जी की जेब में। तो शराबबंदी में हुए तस्करी का घोटाले का जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुख्यमंत्री दोषी पाएगा तो जेल भेजना चाहिए। इसीलिए साथियों आज आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, जो अपराधियों को संरक्षण देता हो, जिसकी सोच इतनी जातिवादी हो, जो हम लोग को जात पात में बांटने की राजनीति करता हो, जो भाई को भाई से लड़वाने की बात करता हो, दलित को महादलित करता हो, पिछड़ा को अति पिछड़ा करता हो, अगला को पिछड़ा से लड़वाता हो, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का हक है क्या? इसीलिए साथियों बिहार में अगर कोई एक जाति है तो वो सिर्फ गरीबी की जाति है। गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ को काम नहीं मिलेगा, जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक वो खुद कमा कर नहीं खाएगा, तब तक बिहार समुचित विकास नहीं हो सकता। हमेशा पापा साथ होते थे किसी भी सभा किसी भी कार्यक्रम के बाद तुरंत पापा का फोन आता था, पूछते थे मुझसे क्या रहा कैसा रहा, लोगों ने क्या बोला तुमने क्या कहा, सारी जानकारी लेते थे। पर अब पापा का फोन नहीं आता। बस जाने से पहले वो मुझे इतना जरूर कह के गए थे कि बिहार में अगर विकास की राह पर तुम चलोगे तो कभी अपने आप को अकेला मत समझना, बिहार की 12 करोड़ जनता तुम्हारा साथ देगी। शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर कर निकलेगा, और ये वादा करता हूँ आप लोगों से कि जंगल चीर कर विकसित बिहार बनाकर आप लोगों को दूंगा। ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करकर जा रहा है। आशीर्वाद चाहिए। 2 दिन पहले मैं सीतामढ़ी गया था माता सीता का आशीर्वाद देने। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं
अपनी माँ का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं मानता हूँ कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है, माता सीता नारी स्वाभिमान का स्वरूप है और मैं ये भी मानता हूँ कि माता सीता मेरे भगवान राम बिना अधूरी है और भगवान राम माता सीता बिना अधूरे हैं। इसीलिए कल सीतामढ़ी में मैं संकल्प लेकर आया हूँ कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे ही माता सीता की जन्म स्थली सीतामढ़ी में माता सीता है। पर साथ ही में सोचिए बिहार के विकास के लिए अगर एक एक करके ऐसे धार्मिक पर्यटन स्थल अगर विकसित होते रहे, माता सीता का मंदिर बने, लछवाड़ में भगवान महावीर की जन्म स्थली है, वैशाली में है, बोधगया में गौतम बुद्ध का है, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का है, एक 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 कर अगर तमाम धार्मिक स्थलों को अगर हम लोग पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करें तो सोचिए प्रदेश का राजस्व कितना बढ़ेगा। सोचिए यहीं पर होटल खोलेंगे, रिजोर्ट खोलेंगे, शैक्षिक संस्थान खोलेंगे, रोजगार हम लोगों को प्रदेश में मिलने लगेगा और इसी दिशा में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट काम करना चाहता है, जिसके लिए आज आप लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं। अगले छह दिन का वादा आप लोगों से लेने आया हूँ। हम लोगों को भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को हटाना है कि नहीं हटाना है, तो बदलना है का भी निशान होता है। तो दो नंबर पर बटन दबाकर छाप क्या देंगे, कौन सा छाप और उसके सामने नाम क्या होगा, नाम होगा खाते में जाएगा वो सीधा चिराग पासवान के पास आएगा और चिराग पासवान को फर्स्ट को लागू करेगा। साथियों जरूरी है आज जब हम लोग महाराजगंज विधानसभा में मौजूद हैं तो जरूरी है ऐसे पढ़े लिखे लोगों की, जरूरी है ऐसे मजबूत साथी की जो दम दम से बिहार की विधानसभा में आपके हक आपके अधिकारों को कम से कम 50-50 आदमी को अपने साथ लेकर जाए, फॉलो करेंगे उससे परिणामों से मुख्यमंत्री को पता चल जाना चाहिए कि उनकी सत्ता की कुर्सी उनके पांव के नीचे से। तो 3 तारीख को साथियों ये वादा आप लोगों से मैं लेकर जा रहा हूँ कि अगली 3 तारीख को भारी संख्या में आप लोग जाएंगे, तो अगर आप लोगों का आशीर्वाद है तो इनके विजय की माला पहना दी जाए। आशीर्वाद है।